मेरा नाम शाहरुख नूर है और बाय प्रोफेशनल मैं एक एडवोकेट हूँ। अभी आप सबके सामने ना तो मैं कोई शायरी सुनाऊंगा ना कोई कविता, एक कहानी रखने वाला हूँ। वक्त बहुत कम है तो प्लीज़ आराम से सुनिएगा, जल्दी सुनाऊंगा और अगर एक मैसेज है पहुँच गया आप तक तो समझूंगा कि मेरी जो मेहनत है वो सफल हो गई। तो अदालत का सीन है, ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, फांसी दो बिरजू को फांसी दो, हत्यारा है बिरजू हत्यारा है। तभी जज साहब की एंट्री होती है और ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने दो लोगों का बड़ी बहरे में से कत्ल कर दिया है, क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? देखो ये अदालत है, यहाँ इस तरह खामोश रहना ठीक नहीं, अगर तुम इसी तरह खामोश रहे तो तुम्हारी इस खामोशी को इकबाले जुर्म समझा जाएगा। उधर से जो आरोपी है बोलता है कि हाँ हाँ जज साहब मैं कबूल करता हूँ, मैं इकबाले जुर्म करता हूँ कि मैंने ही उन हराम के जनों को मारा है, लटका दीजिए मुझे फांसी पर, चढ़ा दीजिए मुझे सूली पर। अरे आप लोग भी तो यही चाहते हैं ना कि इस दरिंदे को मौत के घाट उतार दिया जाए। दरिंदा किसने आसानी से कह दिया दरिंदा, अरे ये दरिंदा भी कभी आपकी तरह इंसान हुआ करता था, कभी मेरी भी आपकी जैसी हस्ती खेलती दुनिया थी, जिसमें मैं और मेरी बुनिया थी। तो कुछ दिनों की पहले की बात है, मेरा नाम नमस्कार, हमारा नाम है ब्रजमोहन और प्यार से लोग हमें बिरजू बिरजू कहते हैं। यहाँ पास में हमारे ठो खेत है जिसमें खेती करके हम अपने पेट का गुजारा करते हैं। और एक थी हमारी मुनिया, हमार छोटी सी बेटी। जब हमारी बिटिया का जन्म हुआ ना तो उनकी अम्मा को जन्म देते ही चल बसी। अब चल बसी तो चल बसी, क्या कर सकते हैं, लेकिन जब उनका आखिरी वक्त चल रहा था ना तो वो हमको बोली कि देखो तुम हमारी बिटिया का बहुत ख्याल रखना, उनका किस चीज़ की कमी नहीं होने देना। तो हम बोले अरे तू घबराते क्या है, अरे हम हैं ना, हम दोनों मिलकर। बस इतना कहना था और मुनिया की अम्मा चल बसी। लेकिन वो दिन हम सोच लिए कि हम हमारी बेटी को एक बाप के प्यार के साथ साथ एक माँ का प्यार भी देंगे। लेकिन इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब हमारी बिटिया छोटी थी ना इतनी सी, तो रातों को उठा करती थी और रोती थी और हम उसको ऐसे ऐसे बाहों में लेते थे और बोलते थे ओ ले 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 मुनिया मुनिया का हुआ मुनिया मुनिया बाबा है बाबा है, चलो हम हमारी बिटिया को लोरी सुनाएंगे। तो इस तरह से देखभाल किया है हमारी बेटी का हम, उसको जरा से कोई तकलीफ ना हो जाए। फिर उसके बाद वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया और वक्त के साथ साथ धीरे धीरे हमारी बिटिया बड़ी हो गई और आज हमारी बिटिया 10वीं कक्षा में है। और हम अवतार ओ चौबे क्या बोले थे हा? अरे हम नहीं पढ़ सके तो क्या हुआ, हमारी बिटिया को पढ़ाएंगे हम उनका पढ़ाई के खातिर विदेश भेजेंगे, और पढ़ लिख कर बड़ी सी गाड़ी में जब घुर करके आएगी ना तो पूरा गाँव उसको सलाम मेम साहब करेगा देखना। और फिर वक्त हो रहा था उसके स्कूल जाने का, हमने उसको बुलाया अरे बिटिया अरे जल्दी आओ स्कूल का टाइम हो रहा है, इतनी कैसे कर सकते हो आप, अभी तक अपने स्कूल के लिए तैयार ही नहीं हुए। हमने उनके बाल बनाए और हम उसको स्कूल लेकर गए। स्कूल जब हम उसको छोड़ रहे थे तो हमने उससे बोला था कि बिटिया जब तक हम तुम्हें लेने ना आए ना तब तक स्कूल से बाहर नहीं आना, वो क्या है ना थोड़ा माहौल ख़राब चल रहा है। फिर एक दिन थके हारे खेत से हम अपनी बिटिया को लेने पहुंचे थे स्कूल। स्कूल के बाहर हम पहुंचे, एक एक करके सब बच्चे अपने घर जा रहे थे और हमारी बिटिया हमको नज़र नहीं आ रही थी। फिर हमने देखा कि वो मास्टर और वो चौकीदार वो दरवाज़ा लगा रहा था। हम कह रहे भैया दरवाज़ा काहे बंद कर रहा है, अरे हमारी बिटिया अभी आए नहीं है बाहर। तो वो हमको बोला अरे बिरजू तोहरी बिटिया तो सवेरे ही चली गई। लेकिन काहे, अरे वो हमको नहीं पता रे, वो मास्टर जी कह रहे कि उसका पेट में दर्द हो रहा था। पेट में दर्द, हम घर गए, हमने पूरा घर छान मारा और हमारी बिटिया हमको कहीं नज़र नहीं आ रही थी। बस में हमने सोचा कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, लेकिन पुलिस स्टेशन जा रहे थे वैसे ही हमारा पड़ोसी ने आकर हमको बताया कि तोहरी बिटिया रेलवे स्टेशन पर खूनम खान पड़ी है। हम गए स्टेशन पर, देखा हमारी बिटिया की हालत हमसे देखी नहीं जा रही थी, जालिमों ने उसे नोच नोच कर उसका बुरा हाल कर दिया था। हम सोच लिए कि हम बदला लेंगे हमारी बिटिया का। हम ताक में लग गए और हमें पता लग गया कि वो जालिम जिनने हमारी बिटिया का बलात्कार करा था वो कौन था।
वो और कोई नहीं जज साहब, उसका वो मास्टर था और उसके मास्टर के घिनौने काम में साथ देने वाला वो चौकीदार जो हमको बोल रहा था कि हमारी बिटिया स्कूल में नहीं है, लेकिन हकीकत यह की थी कि वो स्कूल में ही थी। राम का जरा मास्टर उसके साथ मुंह काला कर रहा था। अरे ऐसा हमारी बिटिया के साथ नहीं हुआ, पता नहीं रोज कितनी बिटिया के साथ होता है। जज साहब हम स्कूल गए, सबसे पहले हमें गेट पे वो चौकीदार मिला, हम गए और हमने सबसे पहले उसकी हलक में हाथ डालकर उसकी जबान बाहर निकाल ली। जिस जबान से उसने हमसे झूठ बोला था कि हमारी बिटिया स्कूल में नहीं है, फिर हमने उसकी गर्दन दबाई और गर्दन उसकी हम दबाते गए जब तक उसकी सांसें बाहर नहीं निकल गई। वो तड़प तड़प के मर गया जज साहब। उसके बाद हमको वो मास्टर दिखा, हम उसकी घिनौनी आंखों में देख नहीं पा रहे थे क्योंकि उसने पता नहीं कितनी गंदी नजरों से हमारी बिटिया की तरफ देखा था। हमने सबसे पहले उसके टैटू निकाले और उसके बाद हमने उसके हाथ के टुकड़े 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 कर दिए जिस गंदे हाथों से उसने हमारी बिटिया को छुआ था। उसके बाद हमने वो उसका अंग ही काट दिया जिससे उसने अपनी बिटिया की हालत करी थी। अगर आप सबको लगता है कि हमने गलत करा है तो लटका दीजिए हमें फांसी पर, चढ़ा दीजिए सूली पर, या फिर कोई ऐसा कानून लाइए कि जो हमारी बिटिया के साथ हुआ है किसी की बिटिया के साथ ना हो। माफी चाहूंगा अगर थोड़ा वक्त लिया हो।